नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल, लंबे समय बाद आपके सामने इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे उपस्थित हुआ हूं। और हम अबेकस पर डिवीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसका अभ्यास कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में और करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में अबेकस पर जैसे आपको समय मिलता है अभ्यास कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज, वो है 28,093। तो अबेकस पर 28,093 जो डिविडेंड है हमारा, उसको लिखने के लिए हम राइट साइड में चलेंगे। 28,000 है तो 10,000 की जो लाइन है वहाँ से शुरू होगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 28,093, और डिवाइड करना हमें इसको 13 से। तो जो डिवाइजर है उसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे और डिविडेंड को एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे। सबसे पहले 13 से हमें 28 को डिवाइड करना है। तो 28 को डिवाइड करने के लिए 13 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 28 के जस्ट लेफ्ट में हम 2 लिखेंगे, और 28 में से 26, 13 to 26 माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 2 क्लियर करेंगे और 28 के टेंस में से, और वंस जो 28 का वंस है उसमें से 6 क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास एक स्टेप हमने कर लिया है, सेकंड स्टेप में हमारे पास है 2020 और डिवाइड करना है 13 से। तो 13 वन ज़ा 13, क्वेश्चन जहाँ 2 लिखा था हमने उसके राइट साइड में हम 1 लिखेंगे, और 2020 में से अब हमें 13 माइनस करना है। तो जो 2 है 2 में से 1 क्लियर कर देंगे, और 0 में से हमें 3 क्लियर करना है, लेकिन 3 बीड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 का रूल होता है वो हम लगाएंगे, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 7। लेफ्ट साइड से हमने क्या किया, 1 को क्लियर कर दिया और उस लाइन पे हमने 7 रख दिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट है 79, डिवाइड करेंगे 13 से। 13 6 ज़ा 78, तो 78 में से 7 क्लियर किया, और 9 में से 8 क्लियर करने के लिए हमारे पास बीड्स अवेलेबल है, तो हमने 8 क्लियर कर दिया। और हमारे पास अब रिमाइंडर रह जाता है 13, और डिवाइड कर रहे हैं हम 13 से। तो 13 को 13 से डिवाइड करने के लिए 13 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 1 हम क्वेश्चन में लिखेंगे, और 13 में से 13 क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, 13 वन ज़ा 13। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है 2161, और रिमाइंडर है 0। हमने डिवाइड किया था 28,093 को 13 से, और हमारा जो आंसर आया है वह है 2161, और रिमाइंडर 0 है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 87,645, अगेन फ्रॉम द फिफ्थ लाइन फ्रॉम राइट साइड, 1 2 3 4 5, 87,645, वंस में 5 है, टेंस में 4, हंड्रेड्स में 6, थाउजेंड में 7 एंड 10,000 में 8, और इसको हमने डिवाइड करना है 12 से। 12 से हम डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें डिवाइड करना है डिविडेंड के थाउजेंड्स, 10,000 के जो डिजिट्स हैं, 1,000 और 10,000 के, वो बनता है हमारे पास, नंबर बनता है 8787। 12 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, और 87 के जस्ट लेफ्ट में हम 7 लिख देंगे, 12 7 ज़ा 84, 8 क्लियर किया, और वहाँ वंस में से 4 क्लियर करेंगे। 4 क्लियर करने के लिए 4 बीड्स अवेलेबल नहीं है, रूल क्लियर 5 एंड सेट 1। अब हमारे पास है 3 6 36, 12 से 36 को डिवाइड करना है, 12 3 ज़ा 36, 36 क्लियर कर दिया हमने। अब हमारे पास है 0 और 4, 12 का टेबल 0 4 के लिए पढ़ेंगे, 12 1 ज़ा 12 होता है, तो 12 का टेबल हम 0 के 0 टाइम्स पढ़ेंगे, 12 0 ज़ा 0। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास 7 के बाद 3 3 के बाद हम जो नेक्स्ट लाइन है 3 के बाद राइट साइड में, उसमें 0 लिखेंगे, और 0 के बाद 12 0 ज़ा 0, 4 में से 0 क्लियर करेंगे, तो बीड्स में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना है अभी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अब हमारे पास है 45, 12 से 45 को डिवाइड करेंगे, 45 के लिए 12 3 ज़ा 36। तो अब हम क्वेश्चन जो 3 है उसको लिखेंगे, 7 3 3 0, 3 के बाद 0 है, 0 के बाद
राइट साइड में हम 3 लिखेंगे, 12 3 जा 36, और 45 में से 36 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 में से 3 क्लियर करेंगे, बीड्स अवेलेबल है 3 क्लियर कर दिया हमने, और वंस में हमारा 5, इसमें से हमें 6 क्लियर करना है, तो 6 तो क्लियर नहीं हो सकता 5 में से, तो इसलिए हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल होता है क्लियर वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 4, क्लियर वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 4। तो ये हमने अपना सवाल कंप्लीट कर दिया है, हमारा जो आंसर है वो है 7303, और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 9, 7303 और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 9। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 87645, और उसमें से हमने उसको डिवाइड किया 12 से, तो जो क्वेश्चन है वो है 7303 और रिमाइंडर हमारे पास 9। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन तरफ, ऑल क्लियर कर दीजिए अभिकस को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 28654। अब हमने इसको डिवाइड करना है 9 से, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके हम लिखेंगे 9, और हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारा डिविडेंड जो है वो है 28654। सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे हम 28 को, 9 3 जै 27, 28 के जस्ट लेफ्ट में हम 3 लिखेंगे और 28 में से 27 क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास है 1616 डिवाइड करने के लिए, तो अगेन 9 1 जै 9, और यहाँ पे 6 में से हमें 9 क्लियर करना है, क्योंकि 1 से 1 माइनस करते हैं 10 से 10, तो यहाँ पे 6 में से हमें 9 क्लियर करना है। 9 क्लियर करने के लिए 9 बीड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो 9 क्लियर करने का रूल होता है क्लियर वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 1। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से हमने एक मोती क्लियर कर लिया है, और जिस जहाँ से हमें माइनस करना था वहाँ पे हमने एक मोती सेट कर लिया है रूल के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास है 7 then 5 75, 9 का टेबल 75 के लिए हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 9 8 जा 72, तो 7 क्लियर किया, और 5 में से 2 क्लियर करना है, तो बीड्स अवेलेबल 2 नहीं है, क्लियर 5 सेट 3 रूल के अकॉर्डिंग। एंड देन अब हमारे पास है 34, 9 से 34 को डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 3 जै 27, 2 क्लियर किया, 1 में 7 क्लियर करना है, 7 बीड्स अवेलेबल नहीं है, 1 का रूल अप्लाई 7 का रूल अप्लाई करेंगे, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड सेट 3, 3 बीड्स नहीं है, 3 का रूल अप्लाई करेंगे 3 प्लस करने का, सेट 5 क्लियर 2। ये हमारा आंसर आ जाता है 3183, और रिमाइंडर है हमारे पास 7। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, 28654, उसको हमने डिवाइड किया था 9 से, और हमारा आंसर आ गया 3183, और रिमाइंडर हमारे पास 7। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे, और समझ नहीं आए होंगे तो आप अवेकस लेके वीडियो ऑन करके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कंफर्टेबली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।